नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड LT शिक्षण अभिरुचि पर एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर 6। इससे पहले हमने आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अभी तक अगर आपने मॉडल पेपर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन मॉडल पेपर में दोस्तों हम बिल्कुल आपको 30 क्वेश्चन सेट करके देते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प आगे आने वाले एग्ज़ाम में मिल सकती है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर को भी हमने काफ़ी इसी तरह से सेट किया है कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प करेगी। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएँ। और इसके अलावा काफ़ी लोग PDF की डिमांड करते हैं, तो दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपका किस आपकी मेथड के रिस्पेक्ट में दिया गया है। यह पद्धति बालक को स्वयं अपने प्रयास से तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की खोज करने और ग्रहण किए गए ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियम निर्धारित करने का प्रशिक्षण देती है। तो ये कौन सी आपकी पद्धति हो सकती है? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक या फिर खेल विधि पद्धति? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ह्यूरिस्टिक पद्धति या ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि के प्रवर्तक कौन थे? H.E. आर्मस्ट्रांग। पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आर्मस्ट्रांग इसके प्रवर्तक थे, जो कि आपके केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। जो ह्यूरिस्को होता है, ह्यूरिस्टिक शब्द है दोस्तों, वो ह्यूरिस्को से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आई डिस्कवर, यानी कि मैं खोजता हूँ। तो इसलिए दोस्तों इसको अन्वेषण विधि भी बोला जाता है। तो इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दोस्तों विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में रखना होता है, ठीक है। तो यह विधि विद्यार्थी को सक्रिय रखती है और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है और स्वयं ज्ञान प्राप्ति पर बल देती है। तो ह्यूरिस्टिक जो पद्धति है उसमें दोस्तों हमेशा जो बालक है वो स्वयं खोज करता है तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी मेथड है, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा छात्र अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है? कौन सा जो छात्र है दोस्तों वो आपका सही अर्थ में पालन करता है, अभी अधिगमकर्ता के अभिलक्षण से मांग सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो अपने अध्यापक की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करता है, जो जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा, जो स्कूल में कभी उदंडता नहीं करता, जो समय का पाबंद है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है जो यह जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से आपके डिफरेंट बिहेवियर की डिमांड रहती है टीचर्स के द्वारा, ठीक है ना। कहीं जगह पर दोस्तों स्टूडेंट से ये माना जाता है कि वो आपके शांत रहें, समय पर आएँ, ठीक है। कई जगह पर जैसे क्लास है तो क्लास में डिमांड की जाती है कि बच्चे एक्टिव रहें। तो जो जैसी सिचुएशन होगी, अगर स्टूडेंट जानता है कि जैसी सिचुएशन पे जो बिहेवियर करना है, अगर वो जानता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर को करना वो जानता है, तो वही स्टूडेंट क्या कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। अदरवाइज़ कि भाई जो अध्यापक की आज्ञा को आंख मूंद कर पालन करे या फिर स्कूल में कभी उदंडता नहीं करे या समय का पाबंद, ये दोस्तों आपका एक हम कह सकते हैं दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक जो हम कह सकते हैं कि आपको डिसिप्लिन स्टूडेंट बनाता है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कब बनेगा? जब आपके पास ये सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी होंगी, आप समय के अकॉर्डिंग या स्थिति के अकॉर्डिंग आप बिहेवियर करेंगे, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसी को दोस्तों डिसिप्लिन बोला जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि अभिप्रेरणा से है, अभिप्रेरणा उस अनुकूल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है। अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है,
परीक्षण का परिणाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों देखिए अभी प्रेरणा क्या है, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है, ठीक है। अभी प्रेरणा मोटिवेशन को कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या बोला गया कि एक आंतरिक बल है दोस्तों जो आपको नई बातें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो अभी प्रेरणा क्या है, तो आपको वो बालकों को नई बातें सीखने के लिए उकसाती है, वही दोस्तों आपकी क्या होती है, अभी प्रेरणा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका शिक्षण पर आधारित है, शिक्षण का रुचि का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या बताता है? शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए, शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होते वे उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है वो यही बताता है दोस्तों कि आपको छात्रों की रुचि के अनुसार ही उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम अर्थ निकालें तो यही निकलता है दोस्तों कि छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है वे फिर उसको मन लगाकर नहीं कर पाते हैं, यही इसका दोस्तों एप्रोप्रिएट आंसर होता है। वैसे अगर छात्रों को अगर रुचि नहीं है तो फिर आप उसमें एक शिक्षक होने के नाते आपको रुचि पैदा करनी चाहिए और फिर जाके उनको टीचिंग करनी चाहिए। देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन भी इसका करेक्ट बैठता है, लेकिन अगर रुचि का जो सिद्धांत है वो क्या बताएगा, वो यही बताएगा कि छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होगी वे से मन लगाकर नहीं करते, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि भाई शिक्षक को बालक में सीखने के प्रति आपको रुचि पैदा करनी चाहिए, यानी कि जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए उसमें इंटरेस्ट को आप पैदा करिए, ठीक है ना। तो रुचि का सिद्धांत ये बताता है, और फिर रुचि के सिद्धांत के अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना चाहिए कि भाई शिक्षक को बालक में सीखने के लिए रुचि पैदा करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी ही होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए सबसे बड़ी रुकावट है? कौन सी दोस्तों सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है एक क्लास में? कम्युनिकेशंस पर आधारित ये क्वेश्चन है। भौतिक अवरोध, अंतःक्रिया संबंधी अवरोध, संवेगात्मक अवरोध, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि आपका फिजिकल आपका ऑब्स्टेकल है, या फिर इंट्रैक्शन संबंधी आपका कुछ ऑब्स्टेकल है, या फिर आपका इमोशनल संबंधी कुछ आपका ऑब्स्टेकल है, तो कौन सा राइट होना चाहिए इसका? दोस्तों राइट आंसर है संवेगात्मक अवरोध आपका सबसे ज़्यादा। जैसे कि शिक्षकों के स्तर पे भ्रांति हो जाती है, इसके अलावा जैसे संवेग में आपका बच्चे में अगर कोई डर है या क्रोध है या फिर घृणा है, ठीक, तो ऐसे या फिर डिस्ट्रेस में है वो, तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी संप्रेषण में अवरोध करती हैं सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है अवरोध संप्रेषण, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है संप्रेषण करने में, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका नवाचार से संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों में, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का आपने बारे में बताना है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए है, छात्रों को दोपहर में भोजन देने से संबंधित है, भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से है, या फिर अध्यापकों की ट्रेनिंग से ये संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये है आपकी भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, ठीक है, उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा 1987 में आपकी जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का शुभारंभ किया गया था, ठीक है, जिसमें कुछ प्रावधान किए गए थे कि भाई एक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक लड़की होनी चाहिए या एक लेडी हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो बड़े बड़े कमरों का भवन, चौड़ा बरामदा, ठीक है, और लड़के और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा की बात कही गई है, ठीक, ब्लैकबोर्ड, मानचित्र, चार्ट, खिलौने और कार्य अनुभव के उपकरण और आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता की बात करी गई। तो ये सारी क्या है, भौतिक सुविधाएं हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपका भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपकी एटीट्यूड पर आधारित है, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? जो हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान मिलता है उसके प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पहला, अनुभाषविक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना, उन्नति के क्षेत्र में विश्वास को अपनाना, अंतिम सत्य को स्वीकार करना या फिर निर्णायक सत्य को स्वीकार करना, या व्यक्तिगत रूप से जिस
वस्तु की यथार्थता ना सिद्ध हो उसे स्वीकार ना करना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुभाषविक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप अगर देखें कि भाई विज्ञान द्वारा जो प्रमाणित तथ्य है उसको आप व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा परख नहीं सकते, ना ही ये संभव है। तो ये वाला ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल गलत है कि आप व्यक्तिगत रूप से उसको परखेंगे। ठीक है, ठीक, यानी व्यक्तिगत अनुभव द्वारा कि भाई कोई चीज़ विज्ञान के द्वारा अगर प्रमाणित है तो आप उसको व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा कैसे परख सकते हैं, जो कि आपके साइंस के द्वारा आपकी प्रमाणित है। ठीक है ना, तो उसमें तो काफ़ी काम हुआ होगा, तो आप उसको व्यक्तिगत अनुभव से कैसे परख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों कि जैसे हम बात करते हैं कि भाई उन्नति के क्षेत्र में विश्वास का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक, और इसके अलावा जैसे कि अगर आप अंतिम सत्य की खोज में जाएंगे तो उसमें आप समय नष्ट करेंगे, तो वो भी आपका कोई विवेकपूर्ण कार्य नहीं होगा। तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जो आपको ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो उसके प्रति आपका एटीट्यूड दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि भाई अनुभाषविक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित ज्ञान को आपको क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि शिक्षण सहायक सामग्री पर है, संदर्भ पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। देखिए, जब आप एक तो होती है आपकी नॉर्मल जो आपकी बुक चलती है, उसके अलावा जो आप संदर्भ पुस्तकें यानी कि आप जो रेफरेंस बुक पढ़ते हैं और पाठ्य सामग्री को लेते हैं, ठीक, यानी कि आपके जितने भी पढ़ने के आप एड्स लेते हैं, तो उनसे आपको क्या लाभ मिलता है, उनके अध्ययन से आपको क्या लाभ मिलता है। ज्ञान में व्यापकता आती है, निर्णय शक्ति का विकास होता है, आनंद प्राप्त होता है, या फिर परीक्षा में अंक अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका है कि भाई ज्ञान में व्यापकता आती है। ठीक, जैसे आप देखा होगा कि आप फिजिक्स की आपकी एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक चलती है एनसीईआरटी की, उसके बाद आपको उसके साथ साथ एक रेफरेंस बुक भी दी जाती है। रेफरेंस बुक से आपका होता क्या है कि आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। ठीक है, आपको डिटेल में स्टडी करने का मौका मिलता है। तो रेफरेंस बुक का दोस्तों यही फ़ायदा होता है कि आपकी नॉलेज है उसमें व्यापकता आती है। ठीक है ना, यानी कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको गेन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका शिक्षक के गुण पर आधारित है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। उसकी समय पर पाबंदी, उसकी निष्पक्षता, उसकी अनुशासन प्रियता, या फिर उसका रौब। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए उसकी निष्पक्षता। ठीक, यानी कि किसी एक स्टूडेंट को कभी वो फेवर नहीं करेगा, उसके लिए सभी स्टूडेंट एक समान होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो अनबायस बिहेवियर है वही गुण छात्रों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि फिर से कम्युनिकेशन पर आधारित है, छोटे ग्रुप में संचार बड़े ग्रुप में संचार से किस प्रकार भिन्न होता है। छोटे ग्रुप उसमें भाग लेने वाले को आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। छोटे ग्रुप में अंतःक्रिया अपेक्षाकृत अधिक सीमित होती है। छोटा ग्रुप संदेश पहुंचाने में कम समय लेता है। या फिर बड़े ग्रुप में संचार अपेक्षाकृत बेहतर फीडबैक प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला वाला, छोटा ग्रुप उसमें भाग लेने वाले आपस में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, समूह जितना छोटा होगा संचार द्वारा प्रतिपुष्टि उतनी ही अधिक मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें फीडबैक की प्रॉब्लम कम हो जाती है। जैसे बड़े ग्रुप में क्या होता है, ज़्यादातर जो फीडबैक की जो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। ठीक है, और इसके अलावा जब इसमें फीडबैक अधिक होगा तो अंतरक्रिया भी बहुत जल्दी हो जाएगी। बड़ा ग्रुप होता है तो उसमें आपको क्या होता है कि भाई पुनर्बलन में समय लग जाता है, प्रतिपुष्टि में समय लगता है, जिससे कि इंट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक, लेकिन जो छोटा ग्रुप है, ग्रुप जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिपुष्टि फीडबैक उतनी ही जल्दी मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे ग्रुप में अंतरक्रिया अपेक्षाकृत अधिक सीमित होती है, गलत है, ये ज़्यादा होती है। छोटा ग्रुप संदेश पहुँचाने में कम समय लेता है, ये भी दोस्तों आपको क्या है, ये तो खैर इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। छोटा ग्रुप हो चाहे आपका बड़ा ग्रुप हो, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बड़े ग्रुप में संचार अपेक्षाकृत बेहतर फीडबैक प्रदान करता है, ये गलत है। जो छोटे ग्रुप होते हैं वो बेहतर फीडबैक प्रदान करते हैं, बड़े ग्रुप में संचार की यही समस्या रहती है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि मापन एवं मूल्यांकन पर आधारित है, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती, क्यों नहीं होती हैं ये विश्वसनीय।
इनके परिणाम सदैव एक समान नहीं होते, इनके उत्तर प्रायः बहुत भिन्न होते हैं, इनके जांच की विधियां अलग अलग होती हैं, इनके उत्तरों की रोलियां अलग अलग होती हैं, ठीक है। या इसमें थोड़ा सा ये शायद ये गलत लिखा हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इनके उत्तरों की कॉपियाँ या एक तरह से उत्तरों की विधियाँ होंगी, एक सेकंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। ये उत्तरों की शैलियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये, तो कोई बात नहीं, इनके उत्तरों की शैलियाँ अलग अलग होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर देखिए, निबंधात्मक जो परीक्षाएँ होती है वो आत्मनिष्ठ होती हैं, तो इसलिए रिलायबल नहीं होती। तो इसके परिणाम क्या होते हैं? सदैव एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। निबंधात्मक परीक्षाओं के सबसे बड़ा दोष ही दोस्तों यही होता है कि यह परीक्षक की भाई आत्मनिष्ठता पर बेस्ड है। एक होते हैं वस्तुनिष्ठ, एक होते हैं आत्मनिष्ठ, ठीक है। तो एक परीक्षार्थी को एक परीक्षक परीक्षा में 70% अंक दे देता है या 80% देता है, दूसरा परीक्षक उसी परीक्षार्थी को फेल भी कर सकता है। कहने का मतलब है कि परिणाम समय पे सेम नहीं है, एक ही टीचर आपको अलग अंक दे सकता है और एक टीचर आपको अलग अंक दे सकता है, ठीक है ना। तो जो परीक्षार्थी है अपने उत्तर द्वारा परीक्षक पर जो प्रभाव डालता है उसी के आधार पर उसको अंक मिलते हैं, तो इसलिए ये आत्मनिष्ठ हो जाती है, तो इसलिए ये रिलायबल नहीं हो जाती। भाई रिलायबल होने का यही मतलब होता है कि आपकी कॉपी चाहे कोई भी परीक्षार्थी चेक करे, सॉरी परीक्षक चेक करे, तो आपको हमेशा एक ही अंक मिलने चाहिए। अलग अलग परीक्षार्थी अगर आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, अगर आपको सॉरी अलग अलग परीक्षक अगर आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं और आपको अलग अलग अंक मिलते हैं, तो वो जो आपका टेस्ट होता है वो रिलायबल नहीं कहलाता, विश्वसनीय नहीं कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। देखिए वह साइंस जो आपके जो डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करता है, उनको क्लासिफाई करता है, उनको प्रेजेंट करता है और फिर उनकी कंपैरिजन करके उनको इंटरप्रेट करता है, उसका किससे संबंध है दोस्तों? ये है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपका वो ब्रांच है दोस्तों मैथमेटिक्स की, जो कि आपकी कलेक्शन से रिलेटेड है, फिर क्लासिफिकेशन करती है, फिर उसको प्रेजेंट करती है, इंटरप्रिटेशन करती है, एनालाइज करती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि वृद्धि और विकास से संबंधित है, बालकों में वृद्धि एवं विकास, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का पहला चरण है? पहला चरण क्या होता होगा? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर मानसिक विकास? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? शारीरिक विकास, ठीक है ना। तो जब विकास आपका स्टार्ट होता है, विकास को आपका क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी बोला जाता है दोस्तों। क्या होते हैं? क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो सबसे पहले आपके क्या होते हैं भाई दोस्तों? आकार में परिवर्तन होता है। तो भाई आकार में परिवर्तन का वो मतलब क्या है दोस्तों? कि आपका शारीरिक विकास होता है, ठीक है ना, यानी कि आपके निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। और इन परिवर्तनों को आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि आपकी आयु बढ़ती जाएगी तो आपके शरीर के आकार में और भार में लगातार परिवर्तन होता चला जाएगा। तो ये सबसे पहला चरण होता है वृद्धि और विकास का। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि समायोजन पर आधारित है, समझदार छात्र परिस्थितियों का सामना करते हैं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों को महत्व नहीं देते या फिर अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर होना चाहिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल वे लोग ढाल लेते हैं। स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना ही दोस्तों क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, ठीक। अगर छात्र परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करेगा तो भाई क्या होगा? स्कूल में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इस तरह से अगर ये वाला ऑप्शन देखा जाए तो बिल्कुल गलत है कि भाई परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाएंगे तो स्कूल में ही अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना ही समायोजन है और वही समझदार छात्र कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फिर से आपके विकास पर आधारित है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो दोस्तों जैसे कि आपका निरंतर विकास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, इसी तरह से आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न, तो ये सभी दोस्तों आपके विकास के सिद्धांत हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ये आपका किसका सिद्धांत है? अधिगम का सिद्धांत है, ठीक।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, पिंटर पेटसन क्रियात्मक मानदंड का प्रयोग किस गुण के परीक्षण में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या फिर निष्पादन। ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निष्पादन। दोस्तों ये एक आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है, ठीक है ना, जो आपके क्रिया या फिर निष्पादन शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसे परीक्षणों में किया जाता है जिसमें आपकी समझ और भाषा का प्रयोग की कम से कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा के स्थान पर क्या होगी भाई, अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं जैसे बालक है, जो आपके निरक्षर, मंद बुद्धि, विदेशियों का बुद्धि परीक्षण, इसकी इसका आप क्या कर सकते हैं, आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या है कि भाई कम से कम भाषा के प्रयोग की आवश्यकता और समझ की कम से कम आवश्यकता है। तो उनमें से एक आपका पिंटर पेटरसन आपका क्रियात्मक मानदंड है, ये आपका एक तरीके का परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक है, वैसे ये 1917 में इन्होंने इसका विकास किया था, ठीक है, पिंटनर और पेटसन ने, और इसमें 15 प्रकार के स्केल हैं, इतना भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि आपका अनुवांशिकता पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए दोस्तों पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो विद्यालयकरण यानी कि अगर आप किसी बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो क्या उसकी बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। ऐसी आप सी वाला ऑप्शन देखें तो गोद लिए गए बच्चों का वही IQ होगा जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहनों को होगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। अनुभव से ही तो दोस्तों आपका मस्तिष्क का विकास होता है, वो तो इवन मदद करता है मस्तिष्क के विकास में। तो देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो अनुवांशिक बनावट है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। प्रत्युरात्मकता का मतलब जो आप रिएक्ट करते हैं या इसको रिपल्सिवनेस भी बोल सकते हैं, एक होता है अट्रैक्शन जैसे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, एक होता है रिपल्सन, ठीक है ना, यानी कि आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व क्या होता है दोस्तों, कि आपकी अनुवांशिकता और आपका जो वातावरण है उनकी आपस में इंटरैक्टिविटी है, ठीक है, उसी से व्यक्तित्व निकल कर आता है, उसी से बुद्धि निकल कर आती है। ठीक, तो ये आपकी प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना क्या कहलाता है। जो आपके अंदर कई बार आक्रामक आवेग होते हैं जो कि समाज में एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, उनको आप सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना, उनको क्या बोलेंगे, समाजीकरण, उदात्तीकरण, बौद्धिक औचित्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, इनके माध्यम से हम अपनी उन इच्छाओं को सुलाने का प्रयास करते हैं जिनको समाज में पसंद नहीं किया जाता है। तो ऐसा करते हुए हम कभी कभी अपने आवेगों को उस दिशा में ले जाना पड़ता है जिस पर समाज को कोई आपत्ति ना हो, क्योंकि हमारे अंदर कई दबी हुई इच्छाएं होती हैं कि जो समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर हम उन संवेगों को आगे ले आएं या उन आवेगों को अगर हम ले आएं तो वो समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होंगे और वो क्या होंगे, काफी आक्रामक होंगे या समाज के लिए काफी हानिपूर्वक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि उन इच्छाओं को दबाना पड़ता है, ठीक है, और समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है। तो उस जो प्रोसेस है उसको हम उदात्तीकरण बोलते हैं यानी कि सब्लिमेशन उसको बोला जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि सोशल मैच्योरिटी यानी कि सामाजिक परिपक्वता पर आधारित है। सामाजिक परिपक्वता की अध्ययन विधि वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता माप, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, चाइल्ड, सोरेनसन, हललॉक या फिर डॉक्टर एडलर डोल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर एडलर डोल। तो एडलर डोल हैं, इन्होंने सामाजिक परिपक्वता की मापन करने की इस विधि का निर्माण किया है। इस विधि का नाम क्या है, वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता माप, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है भाई, जो भिन्न अवस्था के बालक हैं उनके सामाजिक व्यवहारों का मापन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने 117 सामाजिक क्रियाओं को रखा है इस माप के अंतर्गत इन्होंने, ठीक है ना, जिसका संबंध क्या होता है भाई, आपका जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि एनालिटिकल मेथड के अधीन छात्र क्या करता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दो तथ्यों
दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है या फिर दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो अज्ञात से ज्ञात की ओर को बढ़ता है। विश्लेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? खंडों में बांटना। ठीक, तो इस विधि में अध्यापक किसी समस्या को उसके विभिन्न पहलुओं के आधार पर अनेक खंडों में बांट लेता है और एक एक खंड का अलग अलग अध्ययन करता है। तो इसमें कैसे बढ़ रहा है? वो अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि निष्कर्ष या फिर हम कह सकते हैं परिकल्पना की ओर को बढ़ जाता है। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों, इसको हम क्या बोला जाता है? विश्लेषणात्मक विधि है कहलाती है। ठीक है ना, देखा जाए तो ये अन्वेषण विधि को साथ लेकर चलती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ठीक, जो विद्यार्थी संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? निष्पादन परिहार अभिविन्यास यानी कि परफॉर्मेंस ऑडियंस ओरिएंटेशन, कार्य परिहार अभिविन्यास यानी कि वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, इसके बाद नैपुण्यता अभिविन्यास यानी कि आपका मैच्योरिटी ओरिएंटेशन, या फिर इसको क्या बोला जाएगा? निष्पादन उपागम अभिविन्यास यानी कि परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। ठीक, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये है निष्पादन उपागम अभिविन्यास यानी कि परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन इसको बोला जाता है, जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी संबंधित ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, इनको परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो क्या कहलाएगा? अधिगम का स्थानांतरण। किस तरह का स्थानांतरण कहलाएगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। अगर वो पूर्व में दिया गया आपका जो अधिगम है वो नई स्थिति में सीखने में सहायता करता है पॉजिटिव वे में, तो वो सकारात्मक आपका स्थानांतरण कराता है। अगर वो बाधा डालता है तो वो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अगर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आपने कोई चीज़ पहले सीखी और आप नई चीज़ कोई सीखने जा रहे तो उसमें उसकी कोई हेल्प नहीं मिल रही जो आपने पहले सीखा है, तो वो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, नैदानिक परीक्षा यानी कि डायग्नोस्टिक जो आपके टेस्ट होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर छात्रों को चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम यानी कि रेमेडियल प्रोग्राम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों यानी कि एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ का कारणों का पता लगाना, छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो आप बताइए क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? दोस्तों जो नैदानिक परीक्षाएँ होती हैं वो आपकी एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ के कारणों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। तो पहले आपके निदान किया जाता है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। ठीक, तो निदान का मतलब यही है कि जितनी भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, आपको जो भी एकेडमिक आपके शिक्षक तौर पे आपको शिक्षण में या सॉरी जो आपको शिक्षा के दौरान जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो उनके लिए आपकी जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज आ रही, समस्याएं आ रही हैं, उनके कारणों का पता लगाया जाएगा निदान के बाद। और जब उनका पता लग जाए तो उसके बाद ही दोस्तों क्या होता है? रेमेडियल प्रोग्राम चलाए जाते हैं या फिर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो नैदानिक परीक्षा किसके लिए? समस्याओं का पता लगाने के लिए कि आपको एकेडमिक में क्या डिफिकल्टीज आ रही, तो उनके कारणों का पता लगाने के लिए। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पिकनिक प्रकार के व्यक्तियों में व्यक्तित्व संबंधी गुण पाए जाते हैं। अब पिकनिक प्रकार क्या होता है दोस्तों? क्रैशमन ने वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व का, ठीक है, वो किया था शारीरिक संरचना के आधार पर 1925 में। ठीक है, तो इन्होंने आपके तीन प्रकार के व्यक्ति बताए पिकनिक प्रकार के। पिकनिक प्रकार का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति, इनका छोटा कद होता है, शरीर मोटा होता है, चर्बी वाला। ठीक है, तो इनका जैसे कि आपको पता ही लग गया भाई पिकनिक यानी मिलनसार, तो मिलनसार व्यक्ति क्या होगा भाई? सामाजिक होगा और वो दोस्तों क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। ठीक है ना, तो जो सामाजिक और बहिर्मुखी होगा वही दोस्तों क्या कहलाएगा? पिकनिक प्रकार का व्यक्ति कहलाएगा। आराम तलब होते हैं, लोकप्रिय होते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया था भाई पिकनिक प्रकार, दूसरा बताया था इन्होंने एथलेटिक प्रकार। एथलेटिक, अब नाम से ही पता लग रहा भाई जो एथलेटिक होगा वो क्या होगा? चुस्त होगा, फुर्तीला होगा, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाला होगा। ठीक है ना, दृढ़ निश्चयी होगा, तो ये चुस्ती और फुर्तीलापन उसी के अंतर्गत होता है। ठीक, और इसके बाद तीसरा इन्होंने प्रकार बताया था, वो बताया था इन्होंने दोस्तों लैप्टोसोमैटिक। लैप्टोसोमैटिक, लैप्टोसोमैटिक प्रकार क्या होता है? वैसे पतले होते हैं, लंबे होते हैं, दुबले पतले। ठीक, तो ये आपके क्या होते हैं? शर्मीले होते हैं और
एक तरीके से एकांत प्रिय और निराशावादी होते हैं। तो ये दोनों जो दोनों होते हैं ये आपके क्या होते हैं, लैप्टोसोमैटिक होते हैं। ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पांच इसके आधारभूत सिद्धांत है, मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व ना प्रदान करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये तीनों हैं, ये पहला वाला इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दोस्तों बुद्धि पर आधारित है, बुद्धि मापन का भाटिया बैटरी परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या है, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों आपका 5, इसमें दोस्तों उप परीक्षण है। ठीक है ना। 1953 में जो प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया थे इनके द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था। तो ये कैसा परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक सामूहिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत में क्या होता है, एक ही व्यक्ति का एक बार में परीक्षण किया जाता है। सामूहिक में क्या होता है, भाई कई सारे व्यक्तियों का एक साथ में परीक्षण हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपके क्या है, 5 उप परीक्षण हैं, जैसे कि पास अलोंग टेस्ट होता है, आकृति निर्माण टेस्ट होता है, कोहज ब्लॉक टेस्ट, तो ऐसे ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं, वैसी फिर एक तस्वीर निर्माण टेस्ट होता है। तो इसको भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन का, समस्याओं के व्यावहारिक समाधान निकालना, कार्यप्रणाली में सुधार करना या फिर ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान आपका ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी नवीन योगदान नहीं किया है। तो भाई क्रियात्मक अनुसंधान हम करते क्यों हैं, क्रियात्मक अनुसंधान हम ये करते हैं कि भाई जो हम रोजमर्रा के अपने विद्यालय के कार्य हैं उनमें जब सुधार लाना चाहते हैं, भाई एक शिक्षक अपने शिक्षण प्रणाली में सुधार लाना चाहता है, एक विद्यालय का जो प्रिंसिपल है वो अपने विद्यालय के मैनेजमेंट में सुधार लाना चाहता है। ठीक है ना, सभी लोग अपने अपने कार्य में सुधार लाना चाहते हैं जो भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान बोला जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में भाई ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना ऐसे कार्य नहीं होते, ये सिर्फ अपनी कार्यप्रणाली के सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की कठिनाइयां, अग्रेफिया क्या है, अग्रेफिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता या फिर गणित संबंधी समस्या। तो अग्रेफिया दोस्तों क्या है, अग्रेफिया आपकी लिखने की अक्षमता है। ठीक है, लिखने की अक्षमता जैसे कौन कौन सी होती है, अग्रेफिया होती है, डिसग्राफिया होती है, डिस्प्रैक्सिया होती है, ये आपकी क्या होती है, आपकी लिखने की अक्षमता होती है। ठीक, जैसे पढ़ने की अक्षमता कौन सी होती है, आपको हमने बताया है डिसलेक्सिया होती है, एलेक्सिया होती है। ठीक है, इसी तरह से मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कौन कौन सी हो सकती है, अफेजिया, डिसफेजिया, और गणित संबंधी जो समस्या होती है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, डिसकैलकुलिया बोला जाता है। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वर्बल डिसकैलकुलिया होता है, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया होता है। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों आप ये अक्षमताओं को जरूर ध्यान में रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश किए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा, क्या होगा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, वैसे कितना होता है 30:1, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों 40:1। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो आपका शिक्षण के सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत पर ये आधारित है, तो इसका राइट आंसर है स्कीनर। स्कीनर के द्वारा दोस्तों ये बुक लिखी गई थी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।